सो आम लास्ट क्लास पढ़ते डेरिवेटिव पढ़ते आज पढ़े आम इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन है टू टाइप्स गोटे तुम है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन सो बोथ आर इंपोर्टेंट फॉर फिजिक्स दीटा आग फिजिक्स इंपोर्टेंट तो ये सब जहाँ तुम रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिक्स रे इक्वेशन सॉल्व कला ठीक अच्छे बट आउट कथा कहूँ जी दरकार फिजिक्स से मुझे एक्सट्रा जिन कि कह ओके हेले फर्स्ट पढ़ा आम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन हेले फर्स्ट इज इनडेफिनाइट कौन डेफिनाइट कौन इनडेफिनाइट रे किसी लिमिट नो लिमिट एथिरे किसी लिमिट नथिबो ता कहबो इनडेफिनाइट एथिरे लिमिट थिबो विथ लिमिट आकु कहबो डेफिनाइट इंटीग्रेशन ठीक अच्छे हेल्ले फर्स्ट को व्हाट यू मीन बाय द टर्म इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आकु कहबो एंटी डेरिवेटिव कहबो दिस इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव द स्मॉल इंटीग्रेशन मान ले समेशन दैट इज आल्सो कॉल्ड समेशन दिस इज आल्सो कॉल्ड समेशन समेशन ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल थिंग नोन एज इंटीग्रेशन तो मैंने हेला देखो फॉर एग्जांपल कोच मु जदि हमें स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ पेपर नबा स्मॉल स्मॉल पीस पेपर नेबी एंड आपको जॉइन करी सो दैट विल बी इक्वल्स टू ए बिग पेपर ये कौन बड़ पेपर हम कि डेरिवेटिव कौन डेरिवेटिव जो बिग पेपर अच्छी जो मुझे स्मॉल पार्ट नेली जो स्मॉल पीस नेली मैंने ये आर डेरिवेटिव है एंड फिक्स ऑल दिस पार्ट जो आपको मिसेदे कौन प्लस ये प्लस तमान है इफ यू इंटीग्रेट स्मॉल पार्ट जदि मुझे स्मॉल पार्ट को इंटीग्रेट करी तो कौन आस पार्ट आस तो इंटीग्रेट ऑफ स्मॉल पार्ट ए पार्ट पूरा होल पार्ट आसो दैट मीन्स समेसन ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल थिंग्स ये स्मॉल इंडिविजुअल थिंग्स को मिसेवा जहाँ स्मॉल पार्ट रो इंटीग्रेशन करेगी जो लार्ज लार्ज पार्ट पाइबा दैट इज द इंटीग्रेशन सी डेरिवेटिव कौन बोल जब तुम बड़ पेपरटा अच्छी जो स्मॉल पेपरटा हम डेरिवेटिव मैंने ये आर है डेरिवेटिव बुझला एती हला यूजुअल कनसेप्ट है बर्तन पढ़ा आम आर सिंबल केमी लिखाऊँच आर केमी बाहर कर इंटीग्रेशन आम डिटेल्स आम पढ़िया हला नोट कर फर्स्ट सुलवे दिली तो इंटीग्रेशन फर्स्ट पढ़ा हमें इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन फर्स्ट कथा है इंटीग्रेशन सिंबल कौन देख दिस इज द सिंबल स्नेक लेग स्ट्रक्चर दिस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन जिन कही मुझे ये कैलकुलस पार्ट कैलकुलस दीटा पार्ट अच्छी डेरिवेटिव अच्छे और इंटीग्रेशन अच्छी सो कैलकुलस मैंने दुटा जिन वेरी इंपोर्टेंट गोटे वेरिएबल आउ गोटे कांस्टेंट एथिरे भी आम वेरिएबल यूज करिया आउ कांस्टेंट यूज करिया हला ए जिन जो इंटीग्रेशन अच्छी एथिरे वेरिएबल रखा हो सो दैट विल बी द सिंबल ऑफ लाइक दिस एदर डीएक्स थिबो
नहले डी वाई थिबो नहले डी जेड थिबो नहले एनीथिंग डी ए डी बी डी पाखरे जहा अछि डी पाखरे एक्स अछि तो ए केस रे एक्स वेरिएबल डी पाखरे वाई अछि तो ए केस रे वाई वेरिएबल डी पाखरे जेड अछि ए केस जेड वेरिएबल हला त माने जदि आमे जे कोन जिंस रखिया डी एक्स को छाडी कि आ सब हो कांस्टेंट सिंदे आमे डी वाई को छाडी आ कोन रखिया ताडी कोन हो सी हो कांस्टेंट जेड को छाडी कोन रखिया हला आ सब कोन हो कांस्टेंट ठीक अछि आ कहिले मु डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब बोले अपोजिट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर त माने दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज ऑलवेज दिस इज अ डेरिवेटिव पार्ट इला इंटीग्रेशन पार्ट तो आपको यदि सॉल्व करया माने केत आसो खाली एक्स आसो कहीं आपको भाव डेरिवेटिव तुम भाव मुझे कौन जो आपको हम डेरिवेटिव आपको हम इंटीग्रेशन माने दिस द डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैनसल हे आउ कौन रहा खाली एक्स रो है सब बड़े मन रख इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रे फर्स्ट तुम इंटीग्रेशन बाहर कर इंटीग्रेशन बाहर कलापर सब सब कौन लिखु प्लस सी लिख सब कौन लिख प्लस सी आफ्टर गेटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ अ गिवन थिंग यू हैव टू ऑलवेज ऐड प्लस सी सी मीन कांस्टेंट सब प्लस सी ऐड कर सी है एनी कांस्टेंट ऐड कर तो कैसे आसो आर के आसला इंटीग्रेशन आसला इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स विल बी एक्स आउ प्लस सी सब सिमिलरली इटि के आसो डी वाई अच्छी इट किए वेरिएबल वाई वेरिएबल इटि एक्स वेरिएबल थी तो एक एक्स के आसो दिस इक्वल्स टू वाई प्लस सी सिंधे कौन हम एथे जेड आसो कहीं जेड वेरिएबल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अपोजिट कैनसल है जेड आउ प्लस सी तो ये है एक्स प्लस सी ये वाई प्लस सी ये जेड प्लस सी ठीक अच्छे बुझला ये वन कनसेप्ट सेकेंड है कनसेप्ट हम सपोज फर एक्जाम्पल तुम नी सेवेन डीएक्स नी इट नली भाव एनिथिंग का वन बाय टू डी वाई नली इट नली भाव इट नली सपोज से टेक एनी नंबर सपोज से नाइन डी जेड तो ये कैसे कौन मुझे कही डी पाखे एक्स अच्छे मैंने एक्स वेरिएबल हम डी तो सेवेन टा कांस्टेंट सेवेन इज ऑलवेज कांस्टेंट नंबर सो कौन हम कांस्टेंट बाहर पल आस तो सेवेन टा बाहर पल आसला के डीएक्स रहा सेमती के आसो ये हाफ टा बाहर पल आसो के डी वाई रहा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई सिमिलरली कैसे आसो ये नाइन टा बाहर पल आसो के आसो इंटीग्रेशन ऑफ आसो डी जेड आस बुझेगा वन्स अगेन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अपोजिट के आसो खाली एक्स आसो अगर सेवेन अच्छी सेवेन एक्स रहा आई मु इंटीग्रेशन बाहर गला प्लस सी रोह के प्लस सी हेलो नेक्स्ट है हाफ इंटू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अपोजिट के आसला वाई रहा हाफ वाई तापर आसला प्लस सी ता कौन आसला नाइन जेड है प्लस सी बुझला हला नोट करो ओके सिमिलरली जदि आम लिखा सपोज लिखिली इंटीग्रेशन ऑफ लिखली लिखली पी डी एक्स इट लिखली क्यू डी वाई इट लिखली आर डी जेड तो ए केस रे कौन हम ये देख डी पाखे एक्स अच्छी मैं एक्स वेरिएबल पीटा कौन हम कांस्टेंट तो पी विल टेकिंग आउटसाइड तो पीटा बाहर ऊपर आसो पी इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बुझीगला सिमिलरली इटि कौन अच्छी डी पाखे वाई अच्छी तो कौन बड़ी क्यू कांस्टेंट हम क्यू विल टेकिंग आउटसाइड क्यू ऑफ कैसे आसो डी वाई सिमिलरली केत अच्छी डी पाखे जेड अच्छी आर कौन हम कांस्टेंट हम सी आर टा बाहर आसो कहला डी जेड मुझे कहते डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अपोजिट है कैनसल हम कैसे आस पी रही बड़ी एक्स रही मुझे कही इंटीग्रेशन बाहर गला सब कौन आसो प्लस सी आसो प्लस सी सी के आसो ये क्यू वाई आसो क्यू वाई कहीं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अपोजिट क्यू आसला प्लस सी सिमिलरली कैसे आसो ये आर जेड प्लस सी बुझला ये सेकेंड कनसेप्ट थर्ड हला मु तुमको कही डेरिवेटिव रे जो तुम्हारे वाई इक्वल्स टू एक्स पावर एन अच्छी एक्स पावर एन अच्छी
ତାମାନେ ଆର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କେତେ ଆସୁଥିଲା ଡି ୱାଇ ଡିଏକ୍ସ କେତେ ଆସୁଥିଲା ଆର ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ଯେ ଆର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ସୋ ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ କେତେ ଆସିଲା ଏନ୍ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ତ ଯେମିତି ତୁମ ଡେରିଭେଟିଭ୍ରେ ଯଦି ତୁମର ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ଥିଲା ତା ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଆସିଲା ଏନ୍ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ସେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ମନେ ରଖ ସେ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ସ ଅଛି ଏଠି ଏକ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଡି ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ ସିଏ ହେଲା ଭେରିଏବଲ୍ ଏଠି ଡି ପାଖରେ ଏକ୍ସ ଅଛି ମିନ୍ସ ଏକ୍ସ ଭେରିଏବଲ୍ ତ ଏଠି ଏକ୍ସ ଅଛି ତ ଏକ୍ସ ବି ଭେରିଏବଲ୍ ତ କ'ଣ ହେବ ଆର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ମନେ ରଖିବ ଆର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଫର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଦଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ଡି ଏକ୍ସ ଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ବିଲ୍ ବି ୱାର୍ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ଆଉ କଥା ଦେଖ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ତୁମର କିଛି ବି କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଟା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ନୋଟ୍ କରାକୁ ଲୁଭେଇଦେଲି ଏ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ଡି ଏକ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଆର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି କିଛିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବା ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଲି ଦେଖ ସପୋଜ୍ ନେଲି ତୁମର ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଡି ଏକ୍ସ ନେଲି ତ ଦେଖ ଏଠି ଡି ପାଖରେ ଏକ୍ସ ଅଛି ଏକ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଏକ୍ସ ହେଲା ଭେରିଏବଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଟୁ ଅଛି ତା ମାନେ ହେଲା ଏନ୍ଟା କେତେ ଅଛି ଏନ୍ଟା ହେଲା ଟୁ ଅଛି ଏନ୍ଟା ହେଲା ଟୁ ଅଛି ତା ମାନେ କେତେ ଆସିବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ସି ଆସିବ ବୁଝିଲା ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଆଉ ଦେଉଛି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ରୁଟ୍ ଏକ୍ସ ଡି ଏକ୍ସ ଆହୁରି ମନେ ରଖ ଏଠି ଏନ୍ ହେଲା ଏନି ନମ୍ବର ଏନ୍ ମେ ବି ହୋଲ୍ ହେଇପାରେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ହେଇପାରେ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଟୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ବି ହେଇପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ଡି ଏକ୍ସ ତ ଏଠି କେତେ ଅଛି ରୁଟ୍ ଏକ୍ସ ଅଛି ବି ରୁଟ୍ ଏକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସ ପାୱାର ହାଫ୍ ଡି ଏକ୍ସ ତ ଏଠି ଏନ୍ଟା କେତେ ଏଠି ହାଫ୍ ହେଲା ତ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ ପାୱାର କେତେ ଆସିବ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମିନ୍ସ ହାଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମିନ୍ସ ହାଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ବୁଝିଲା ମୋତେ ଆକୁ ଲିଭେଇଦେଲି ସୋ କେତେ ଆସିବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେବେଳେ ସରି ଆଉ ମନେ ରଖ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ୱାନ୍ସ ଆସିଲା ମାନେ ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏକ୍ସ ପାୱାର ହାଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କେତେ ଆସିବ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ସେମିତି ହାଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସି ତ ଟୁଟା ଉପରକୁ ଯିବ କେତେ ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଛୋଟ କଥା ଗୋଟେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏ ଡି ଏକ୍ସ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଏଠି ଏକ୍ସ ଅଛି ଏଠି ଏକ୍ସ ଅଛି ଏଠି ପାୱାର ଏ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଏନ୍ ଇଟ୍ ବିହେଭ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏନ୍ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଏନ୍ ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରିବ ତ ଏଠି ଏନ୍ଟା କେତେ ଅଛି ଏନ୍ଟା ଏ ହେଲା ତ ଆର୍ କେତେ ଆସିବ ଫର୍ମୁଲା ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କେତେ ଆସିବ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ଓକେ ନୋଟ୍ କର ଲିଭେଇଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା କିଛିଟା କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପଢ଼ିବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଏକ୍ସ ଫିଫ୍ଥ ବାଇ ସେଭେନ୍ ରୁଟ୍ ଏକ୍ସ ଡି ଏକ୍ସ ମୋତେ ଦେଖ ଏମି ଟାଇପ୍ ଥିବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ତ ହାଉ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କେମିତି ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ତ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଫର୍ମାଟ୍ ଯେ ଯଦି ତୁମର ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ଡି ଏକ୍ସ ଅଛି ତ ଆର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାନେ ଇଏ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏକ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ ଅଛି ତ ଏ କେସ୍ରେ ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ସ ପାୱାର ଟୁ ଅଛି ଏକ୍ସ ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ଅଛି ସେଭେନ୍ ରୁଟ୍ ଏକ୍ସ ଅଛି ତା ମାନେ ହେଲା
सबु जाक एक्स को मु कोन करी सिंगल फॉर्म ऑफ एक्स रे बाहर करी सिंगल फॉर्म ऑफ एक्स रे बाहर करला पोरे आमे कोन करे ए फार्मूला यूज करिया केत अछि एक्स पावर एन डी एक्स अछि दैट मींस कोन एक्स पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 सो यू मेक इट अ सिंगल पावर ऑफ एक्स तो हाउ टू फॉर्म द ए केस रे एक्स पावर 2 एक्स पावर 5 डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई अछि इट बेस बेस इक्वल अछि जदि दीटा बेस इक्वल थिबो जदि तमर मल्टीप्लाई थियो माने दीटा पावर कोन हो ऐड हे जियो दैट मींस एक्स पावर केत हो 5 प्लस 2 केत हो 7 हो सिमिलरली तळे कोन अछि तळे माने डिनोमिनेटर केत अछि 7 रूट ऑफ एक्स 7 रूट ऑफ एक्स माने कोन कहलो एक्स टू द पावर 1/7 केत अछि डा डीएक्स इट देखो बेस बेस इक्वल इज द पावर कोन हो माइनस हो दैट मींस इक्वल केत आसीओ एक्स टू द पावर 7 माइनस 1/7 7 माइनस तो 7 माइनस इट डीएक्स को डीएक्स रहला तो कहलो 7 माइनस 1/7 केत आसीओ देखियो एक्स टू द पावर 7 इट केत 1 हो 7 7 जा 14 माइनस 1 केत 48/7 डीएक्स तो कहलि एनडा केते कहलि एनडा एनडा ला 48/7 तो फार्मूला कोन एक्स पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी ओची तो इठी कहलि एनडा केते 48/7 दैट मींस केते आसीओ एक्स पावर एन प्लस 1 मींस 48/7 प्लस 1 बाय 48/7 प्लस 1 प्लस सी बुझियला सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स पावर 48/7 प्लस 1 केता आसीओ दैट इज इक्वल्स टू 55/7 सिमिलरली 55/7 प्लस सी तो केता आसीओ 7/55 एक्स पावर 55/7 प्लस केता आसीओ सी दिस इज योर आंसर नोट करा को ले दिली देखो जिमिते हमें डेरिवेटिव करथिले जे तमरो डेरिवेटिव ऑफ तमरो जे u प्लस v प्लस डबल थिला बा माइनस थिला हमें कोन करथिले डेरिवेटिव ऑफ u करथिले प्लस r माने डेरिवेटिव ऑफ v करथिले प्लस r माने कोन डेरिवेटिव w करथिले एटा मु डेरिवेटिव कहथिले मु जदि तमरो अलग अलग तीनटा फंक्शन अछि u v w तीनटा फंक्शन अछि प्लस किबा माइनस अछि प्लस किबा माइनस अछि तो कोन हबो फर्स्ट फंक्शन रो डेरिवेटिव हबो प्लस आर माइनस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव हम प्लस आर माइनस थर्ड फंक्शन डेरिवेटिव हम तुम विथ रेस्पेक्ट टू जहाँ थी एक्स थे एक्स नब वाई थे वाई नब जेड थे जेड नब जहाँ थी विथ रेस्पेक्ट मुझे तुमको कही नहीं ठीक अच्छे सिमिलरली आम एप्लाय करें इंटीग्रेशन रे तो मुझे क्या कहती इंटीग्रेशन अफ तुम अच्छे भाभी दि यु प्लस वि प्लस डब्ल्यू होल सॉरी होल इंटू डीएक्स अच्छी इधर प्लस थी कि माइनस था जहाँ भी था तो कौन हम आर इंटीग्रेशन हम प्लस आर इंटीग्रेशन हम प्लस आर इंटीग्रेशन हम तेने इंटीग्रेशन ऑफ यू डीएक्स प्लस आर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स प्लस आर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डीएक्स ये फॉर्मेट देखो आप गोटे क्वेश्चन करम दिखाई थो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब थ्री रूट एक्स होल डीएक्स दिया थियो तो ए केस रे कौन करिया तो ए केस रे कौन हम कहल कौन कही आपको हम यू आपको हम वी आपको हम डब्ल्यू तो कौन हम आर इंटीग्रेशन प्लस आर इंटीग्रेशन प्लस आर इंटीग्रेशन दैट मीन्स कहते आसो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स बुझीला प्लस आर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स बुझला प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 root x dx तो कहल एन टा के 2 अच्छी तो फर्माट कौन कही मुझे तुम एक्स पावर एन थी तार इंटीग्रेशन फर्मुला कौन एक्स पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 दैट मीन्स केस एक्स पावर केस 2 प्लस 1 3 बाय 3 प्लस केत आस एक्स पावर 4 बाय 4 प्लस केत आस
দেখো এটি থ্রি রুট এক্স অছি কেতো অছি থ্রি রুট এক্স মানে কোন দিস ইজ ইকুয়ালস টু আকু লেখুছি মু দিস ইজ ইকুয়ালস টু লেখুছি ইন্টিগ্রেশন অফ বাইডে মু পড় দুচার ইন্টিগ্রেশন অফ কেতো অছি ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পাওয়ার কেতো অছি থ্রি মানে হলা ওয়ান থার্ড dx ta mane adi n da keta hala n da hala 1 third ta formula kon abo n plus 1 by n plus 1 that means keta asio x power keta badi x power 1 third plus 1 by 1 third plus 1 to 1 third plus 1 keta asio 4 by 3 3 bala lcm id 1 ochi to keta asio x power 4 by 3 by 4 by 3 amonta sab sab pratyekar je c c likhe dakar nai ei sabu jagar whole mu goli सी कर देली सी हला कांस्टेंट मु कहिली मु इंटीग्रेशन बाहर गला पर प्लस सी आसीओ तो प्लस सी लिख देली तो केता सॉल्व करले दिस इज इक्वल्स केता आसीओ x पावर 3 बाय 3 प्लस x पावर 4 बाय 4 प्लस केता आसीओ 3 बाय 4 x पावर 4 बाय 3 प्लस सी दिस इज योर आंसर नोट करो तो बुझला बर्तन जे आमे ये तमर पढ़ले का पढ़ले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ले बर्तन जे आमे डेफिनेट इंटीग्रेशन कौन पढ़े आमे डेफिनेट इंटीग्रेशन द इंटीग्रेशन रा और बेसिक जिंस अछि तमे मैथ सर तम पढ़ने पढ़ेबे इंटीग्रेशन रे बेसिक जिंस अछि तम मैथ सर माने पढ़ेबे ठीक अछि जति रिक्वायर सेति फिजिक्स रे पढ़ो जति रिक्वायर फिजिक्स पे सेति मु पढ़ो छि तो बर्तन जी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन मन रखो ये है ला इंटीग्रेशन ये है ला एक्स पावर एन डी एक्स हो ची ठीक हो ची ये ला बर्तन देखो तौले लिमिट थी हो देखो आम काम वाला डेफिनेट है मैंने कैसे लिमिट थी हो से लिमिट है ला भाबो ये है ला ए लिमिट ये है ला बी लिमिट हला दिस इज कॉल्ड एडा कोहा मन रखो लोअर लिमिट बीडा कोहा बो अपर लिमिट ए हला लोअर लिमिट बी हला अपर लिमिट ठीक अछि तो आकु त पहिले किमि सॉल्व करियो तो सॉल्विंग रो फर्स्ट प्रोसेस हला तमे को करियो स्टेप नंबर 1 रे तमरो जहा थिबो तमे फर्स्ट रे इंटीग्रेशन फाइंड करियो फर्स्ट कौन बाहर करियो इंटीग्रेशन फर्स्ट फाइंड करियो तो तुम कहती मुझे तुम एक्स पावर एन थी तार इंटीग्रेशन फॉर्मूला कौन तो तार फॉर्मूला है एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन दैट मीन्स एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन फर्स्ट तुम आर इंटीग्रेशन फाइंड कर लो तापर लिमिट अच्छी केते लिमिट अछि ए लिमिट अछि ए हला लोअर लिमिट अछि आ बी हला अपर लिमिट अछि तो ए लिखियो एठी एठ लिखियो बी ए हला लोअर लिमिट बी हला अपर लिमिट तापर कोन करियो एक्स बदल रे पकेबो अपर लिमिट एक्स बदल पकेबो लोअर लिमिट दीटा को माइनस कराबो कोन कराबो कहले मु एक्स बदल रे पकाबो अपर लिमिट इंस्टेड ऑफ एक्स वी विल यूज अपर लिमिट इनस्टेड अफ एक्स यूज लोअर लिमिट एक्स बदल रे अपर पड़ो बोले के अच्छे बी पड़ो एक्स बदल रे लोअर पड़ो के ए अच्छी ए पड़ो दीटा को माइनस हम दैट मीन्स के आसो दिस इज इक्वल टू एक्स बदल रे बी पड़ो दैट मीन्स बी पावर एन प्लस वन बाय के एन प्लस वन ठीक अच्छे तापर कौन हम एक्स बदल कौन पड़ो लोअर लिमिट पड़ो दैट मीन्स ए पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन देन बोथ विल बी माइनस देन कौन हम दीटा को माइनस हम ठीक अच्छे आउ डेफिनेट रे प्लस सी किसी आसो ना ये बेसिक कनसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन नोट करो लिख फटाफट बुझला बता एग्जांपल जी देखो मतलब एग्जांपल जी एग्जाम्पल पे कौन कह देखो फॉर एग्जाम्पल तुम कह इंटीग्रेशन ऑफ तुम कह एक्स क्यूब डीएक्स कहली ये लिमिट टू टू थ्री अच्छे ठीक अच्छे दिस इज द लोअर लिमिट दिस इज द अपर लिमिट तुम कही कि सॉल्व कराब फर्स्ट बाहर कराब इंटीग्रेशन तापर लिमिट पकाब त
कहल एक्स पावर थ्री रत इंटिग्रेशन के एनटा थ्री अच्छी तो फर्मुला कौन हम एक्स पावर एन प्लस वन बै एन प्लस वन तो मीन के दिस इज इक्वल्स टू एक्स पावर के एन प्लस वन मीन के थ्री प्लस वन फोर बै एगेन थ्री प्लस वन फोर के लिमिट अच्छी टू टू थ्री अच्छी लिमिटा टू टू थ्री अच्छी टू इज युअर लोअर लिमिट एंड फोर इज सरी टू इज द लोअर लिमिट एंड थ्री इज द अपर लिमिट किमी आम लिमिट यूज कराया एक्स बदल रे अपर लिमिट एक्स बदल रे लोअर लिमिट देन बोथ विल बी सब्सट्रैक्टेड देन दीटा कौन हम माइनस आसो दैट मीन के इनस्टेड अफ एक्स यू विल यूज लोअर अपर लिमिट मैं कहते हो दैट मीन थ्री पावर फोर्थ तले फोर्थ अच्छी बोले बै फोर्थ सिंपल देन कौन हम एक्स बदल रे टू पड़े दैट मीन के टू के एक्स पावर फोर्थ मीन कौन हम टू पावर फोर्थ हम तले अच्छी फोर बै फोर है देन बोथ विल बी माइनस है तो कह थ्री पावर के फोर मैंने थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवेन थ्री जा ट्वेंटी सेवेन एटी वन एटी वन बै फोर माइनस सिक्सटीन बै फोर तो कैसे आसो सिक्सटी फाइव बै फोर दिस इज द आंसर बुझीगला हाँ मु तुमको कत एग्जांपल दौर सॉल्व नेक्स्ट क्लास कर देख फाइंड द इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट हैला वी डी वी इंटीग्रेशन यू टू सॉरी लिमिट फ्रॉम यू टू वी क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स फिफ्थ बाय नाइन रूट एक्स लिमिट फ्रॉम टू टू फाइव थर्ड हैला ए डी एस इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम जीरो टू एस फोर्थ हैला एक्स डी एक्स लिमिट यू टू वी फिफ्थ हैला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सेवन होल इंटू डी एक्स लिमिट फ्रॉम टू टू लिमिट फ्रॉम थ्री टू सिक्स कर ये पांचटा क्वेश्चन करेक्ट क्लास पचार।